हाय फ्रेंड्स, मैं इमरान। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ बोलेरो कैंपर के बारे में, इसके गेयरबॉक्स के बारे में। इस कार में, गाड़ी में जो प्रॉब्लम आई है, इसके जो गियर हैं स्मूथली नहीं पड़ रहे हैं, स्टक होकर पड़ रहे हैं। तो इसके हम करने वाले गेयरबॉक्स को ओवरऑल तो दिखाने वाला हूँ किस तरह की किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। इसके ज़्यादातर जो सैंग्लोन रिंग है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, तो वो करने वाले हैं आज की सोनी में। इसके रिप्लेस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो गियर है वो स्टक होकर पड़ रहे हैं, स्मूथली नहीं पड़ रहे हैं। और इस गाड़ी में जो है दूसरा, इसके पिकअप में भी प्रॉब्लम है। तो उस पिकअप के लिए हम इसका जो क्लच सेट है वो रिप्लेस करेंगे, वो डाउन हो चुका है। तो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये थी बोलेरो कैंपर। इसकी फिटिंग जो है प्रोसेस चल रहा है खोलने का। ये 4x4 गियर है, इसको अभी खोल करके चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम सैंग्लोजरी में कहाँ क्या आई है, दिखाने वाले आज की इस वीडियो में आपको। तो फ्रेंड्स, फाइनली गियर उसका ओपन कर लिया है। ये सामने इसका ये 4x4 है, 4x4 गियर, और ये जो है इसका गियर। करते हैं गियर के स्टार्ट। ये सबसे पहले हमें इंजन बैरिंग लगाना है, रोलर बैरिंग पहले कर रहा हूँ, लुब्रिकेशन। उसके बाद ये थर्ड गियर लगेगा, और ये थर्ड गियर का सिंक्रोनाइजेशन। मोबाइल को सीधा टेढ़ा मत करें, वीडियो में थर्ड और फोर्थ की स्लीव लगानी है। ये जो इसका कट है, ये बस सेकंड गियर की साइड में आएगा ये, और ये उल्टी, ये स्लीव तो उल्टी लगेगी क्योंकि ये जो लॉक वाला टेपर एरिया है वो ऊपर की साइड आएगा। इसकी न्यू वॉशर है, वॉशर एक लगती है ऊपर, परचेस का ही लॉक आ जाएगा। हाँ, ये लॉक लग गया आवर में इधर से। थर्ड गियर है इसका, इसमें बैरिंग लगाना है। तो बाद फिर एक सैंग्लोजर, सेकंड गियर, ये सैंग्लोजर सारे एक ही साइज के होते हैं, बस सेकंड थर्ड फोर्थ गियर। यहाँ पे ऑयल लुब्रिकेशन इसलिए करना होता है कि जो है पकड़ना है सैंग्लोजर। सैंग्लोजर में क्लियरेंस सही है, ये नई वन जो पुराने थे उसमें गैप खत्म हो गया था, सिर्फ वैसे स्टक हो रहे थे, तो भी हमने इसमें नए वाले फिट कर दिए। ये वाला कट है स्लीव का, ये नीचे की साइड में आएगा,
और स्लीव ये किसी तरफ से भी लगा सकते हैं अंदर, जो इनकेसिंग गियर है अगर वो किसी तरफ से भी लगा सकते हैं। बस मेन ये है जो उसका ये कट टेबल वाला ये एरिया है वो फर्स्ट गियर की साइड में आएगा। इसका फर्स्ट गियर है ये, उसके बाद फर्स्ट वाला गियर जो है सेम लोग भी नहीं उसके बाद ही फर्स्ट गियर बस सेकंड थर्ड फोर्थ तो भी आएगा ये भी हो गया। अब इसके ऊपर जो है एक वॉशर आएगी ये वॉशर आती है वॉशर चला देंगे उसके बाद एक बेयरिंग आएगा जो इसमें हमने गियर फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर फिट कर दिया जो प्लेट है फिट करना होता है और ये जो काउंटर है इसका बैरिंग जो है ना थोड़ा सा पीछे कर देना होता है। हाँ थोड़ा सा पीछे करने के बाद हल्का सा पीछे करना पड़ता है ड्रॉ करके उसके बाद हमें काउंटर फंसाना है। ओ फ्रेंड्स इसके अभी जो हमने सारी शिफ्टर वगैरह लगा दी है फिफ्थ गियर भी हमने इसका फिट कर दिया रिवर्स गियर जो है रिवर्स गियर भी हमने इसमें लगा दिया है इसका फिफ्थ गियर है ये रिवर्स गियर है और ये रिवर्स गियर की आइडल है ये भी नाइट अभी छोड़ रखा है हमने भी इसको भी टाइट करेंगे पाइप रिंग से यहाँ पे क्लोक आएगा यहाँ पर इसका स्पाइजर आके ये आइडल गियर आएगा उसके बाद ये बैरिंग तो फिर करते हैं पूरा से कंप्लीट दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पर के गोली स्प्रिंग लगा दिया हमने ये रिवर्स पड़ गया इसका इसकी न्यूट्रल हो गई यहाँ पे अभी इसके सारे जो हैं गाड़ी न्यूट्रल है सारे फोर्क वगैरह सब फिट कर दिए अभी करते हैं वो सब पूरा कंप्लीट यहाँ पे लॉक फिक्स हो जाएगा उसके बाद हमें ज्वाला गेट लगाना इस पर ज़्यादा ग्रीस लगा लेंगे रोक दे
छोटे ब्रेक वाला लोग ये लोग लगा देंगे ऊपर से। इसका लोग हो गया फ्रेंड्स, ये गियर जो है ये मॉड्यूल फिट करने से पॉलिसी और एनामोल लगाने होगी। इसका जो है वो भी लगाना होंगे, इसके बचेंगे बोल्ट। इसका जो 4x4 गियर है वो हम सब इसका बाद में फिट करेंगे, पहले गियर चढ़ाएंगे उसके बाद हम इसका 4x4 गियर फिट करेंगे। ये बोल्ट 14 नंबर के बोल्ट होते हैं, ये टाइट करने होते हैं। और अभी जो है सारे गियर जो है न्यूट्रल है। ये हमारे फैजान भाई, इसके गियर के भी होजिंग के बोल्ट फिक्स कर रहे हैं। उसका जो 4x4 गियर है इसको हम बाद में फिट करेंगे, गियर बॉक्स पूरा फिट करने के बाद, गियर बॉक्स चढ़ाने के बाद इसका 4x4 गियर फिट करेंगे। उसको लॉक लगाना है, पूरा फिक्स हो गया। अभी जो है हमें चीज लगानी है, उससे पहले जो है हमें इसकी वॉशर लगानी होती है, ये बहुत ही मेन वॉशर है। जब भी आप गियर बॉक्स ओवरहॉल करें ये वॉशर चेंज करें। ऐसा आएगी इसकी बैरिंग, जो गड्ढे वाला एरिया है वो अंदर की साइड आएगा, ये ऐसा आएगी। टेपर वाला, जो टेपर वाला एरिया है वो अंदर की साइड जाएगा, जो उठावा है ये उठावा ही बाहर की साइड में, जैसे क्योंकि इसको रोकने के लिए हम जो है इस पर ग्रिस लगाएंगे। गियर को हम ऐसे खड़ा कर लेते हैं, इस तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके रिंग पे ये रिंग होता है, इसका इससे बोल्ट लगाएंगे थोड़ी सी। ये हमने इसे वॉशर में वो लगा दिए, फिर सील का ध्यान रखना होता है, सील हमारी सही होनी चाहिए। ये सील ओके है, बिल्कुल ओके है। इससे पहले था
सिटिकली मेरा नहीं है, मालिक का है। ये काउंटर की जो टिकली है लगानी है, ऐसे करके इसको आपको ऐसे करके लगा देनी है। इसके बाद से जो है हम इसका कपलिंग लगाना है। दरवाजे से कर देंगे हम इसके 16 नंबर के बोल्ट होते हैं इसके। तो फाइनली फ्रेंड्स गाड़ी हो चुकी कंप्लीट। ये थी ग्लोरो कैंपर, इसका हमने किया गया गियर हो रहा, तो इसमें जो प्रॉब्लम थी साइक्लोजन की प्रॉब्लम थी, तो हमने इसका जो है गियर कंप्लीट कर दिया है। गाड़ी रोड टेस्ट लेके मैंने चेक कर लिया, अभी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो प्रॉब्लम थी साइक्लोजरिंग थी, हमने कर दी इसकी शॉर्ट आउट। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पावर।